हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोकायन आईएएस। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वो देखा, तो आज इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने देखा, क्लाइमेट इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, यानी कि हम इसमें 100 ईयर तक का टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। ये तो रहा क्लाइमेट के बारे में। फिर क्लाइमेट चेंज क्या है, यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर, यानी कि अगर पूरे 100 ईयर में टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर ह्यूमिडिटी में कुछ चेंजेस आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, रेनफॉल पैटर्न। हर साल हम इंडिया में मानसून रेनफॉल को ऑब्जर्व करते हैं। मान लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेनफॉल पैटर्न में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है, जैसा कि हमें पता है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, अर्थ द्वारा जो लॉन्ग टर्म वेव के फॉर्मेट में जो सोलर रेडिएशन इमिट की जाती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं। और उसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और उसी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हम बहुत बार पढ़ाई करते टाइम ये कंफ्यूजन रहता है कि क्लाइमेट चेंज को ही हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग सेम टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो मेनली नेचुरली और मैनमेड एक्टिविटी द्वारा होता है, बट जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मेनली मैनमेड एक्टिविटी द्वारा होता है। तो आई होप आपको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। और डू सब्सक्राइब अवर लोकायन चैनल। थैंक यू।